क्या कहा जग्गू दादा ने माधुरी के लिए, क्या है दिली तमन्ना जैकी श्रॉफ की, क्या फिल्म में दिखेगा जैकी श्रॉफ और माधुरी का रोमांटिक सॉन्ग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित ने मिलकर भारतीय सिनेमा में कुछ लीक से हटकर काम किया है। 100 दिन, खलनायक, राम लखन, लाज, टोटल धमाल, देवदास जैसी फिल्मों में स्क्रीनिंग शेयर करने के बाद उनके बीच कुछ अच्छा तालमेल है। आज भी जब जैकी याद करते हैं कि धक धक गर्ल जो लाखों दिलों को धड़का चुकी है के साथ काम करना बहुत ही मजेदार रहा। जग्गू दादा ने बताया कि सेट पर जब भी माधुरी आती है तो सेट का माहौल एक अलग मिजाज का हो जाता है, जहां पर हर किसी को अपना काम प्यारा हो जाता है। उनके साथ काम करने से समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, मानो ऐसा लगता है कि शूटिंग अभी कुछ देर पहले ही स्टार्ट हुई है और तुरंत ही खत्म हो गई। उनके साथ काम करते हुए किसी को पता नहीं चलता कि कैसे दिन बीत जाता है। आज भी मैं माधुरी को उतना ही प्यार से मिलता हूँ जितना पहले दिनों में मिलते थे, जब हम फिल्म 100 दिनों की शूटिंग कर रहे थे। एक इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने कहा कि उनकी दिली तमन्ना है कि वो माधुरी के साथ एक बार फिर से कोई रोमांटिक मूवी करना चाहते हैं। ऐसे में हो सकता है कि एक बार फिर से हमें खलनायक 2 में जैकी श्रॉफ और माधुरी का रोमांटिक सॉन्ग देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्म के पिछले भाग में दिखाया गया था कि जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित लास्ट में एक हो जाते हैं और खलनायक का रोल प्ले कर रहे संजय दत्त को जेल हो जाती है। तो ऐसे ही फिल्म की आगे की स्टोरी को देखते हुए जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित की प्रेम कहानी को फिल्म में आगे दिखाया जा सकता है, जहां हम दोनों को फिर से एक बार रोमांटिक सॉन्ग करते हुए देख सकते हैं, जहां एक बार फिर से हमें जग्गू दादा के प्यार में माधुरी लट्टू होते दिखेंगी। हमारी इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो फिल्म के पर्दे पर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बात करें जैकी श्रॉफ और माधुरी की ऑन स्क्रीन जोड़ी की तो लोग आज भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से वो हमें खलनायक के सीक्वल में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं लेता हूं अलविदा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।